हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिजिकल एजुकेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी, यूजी, नेट में, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, यह सीरीज नंबर 62 है। एंड दोस्तों, यदि आप इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों का सीरीज दिया जा रहा है, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, 1936 बर्लिन ओलंपिक खेलों में जेसी ओवेंस ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? तो जेसी ओवेंस ने 1936 ओलंपिक में बर्लिन में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? तो 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस किस इवेंट में दोस्तों जेसी ओवेंस अमेरिका के खिलाड़ी थे? इन्होंने स्प्रिंट दौड़ यानी कि 100-200 मीटर में, 100-200 मीटर में दौड़ में, एंड 4x100 मीटर रिले रेस में, एंड लॉन्ग जंप में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। कुल 4 इवेंट में 4 स्वर्ण पदक 1936 बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने प्राप्त किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि एक और नाम आता है 4 स्वर्ण पदक में कार्ल लुइस का। इन्होंने 1984 लॉस एंजल्स में इन्हीं चारों इवेंट्स में 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों, कहां आयोजित किया गया था 2004 का ओलंपिक? एथेंस में। और इस एथेंस में भारत की तरफ से कोई मेडल जीता गया था कि नहीं? तो इसमें निशानेबाजी में राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 में रजत पदक प्राप्त किए थे। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 के खेल का स्थान था, यानी कि ग्रीष्म ओलंपिक 2000 कहां संपन्न हुआ था? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा? तो दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगला ओलंपिक खेल, जैसे कि इस वर्ष से पहले 2021 में 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो होना था वो कोविड-19 के कारण 2021 में टोक्यो जापान में संपन्न हुआ, एंड नेक्स्ट ओलंपिक उसके बाद होगा 2024 में पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा 2024 में? पेरिस फ्रांस में। तो दोस्तों, पेरिस फ्रांस इसका सही आंसर होगा। एंड दोस्तों, 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में। एंड दोस्तों, 35वां ओलंपिक 2032 कहां होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां ओलंपिक खेल कहां संपन्न हुआ था? 29वां ओलंपिक यानी दोस्तों 2008 बीजिंग चीन में हुआ था 29वां ओलंपिक, एंड ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। 31वां ओलंपिक लंदन 2012 में हुआ था, 31वां ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरो में हुआ था, एंड 32वां ओलंपिक 2020 जो 2021 में संपन्न हुआ है वो हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता अटलांटा में आयोजित हुई थी जो स्थित है? तो दोस्तों, 1996 का ओलंपिक अटलांटा अमेरिका में हुआ था, तो यहां पे अमेरिका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 25वां ओलंपिक आयोजन हुआ था, 25वां ओलंपिक कहां पे हुआ था दोस्तों? 1992 बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। कहां हुआ था? 1992 बार्सिलोना स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के आयोजन वर्ष और आयोजन स्थल का सही मेल करें। एक तरफ है 1948, 1980, 1956, 1960, एक तरफ है मॉस्को, लंदन, रोम, मेलबर्न। आप इसको सही मिलान कीजिए। तो 1948
में कहा हुआ था दोस्तों लंदन में, 1980 में कहा हुआ था मॉस्को में, 1956 में कहा हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, एंड 1960 में कहा हुआ था रोम में। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राफेल नडाल। बीजिंग ओलंपिक कहां हुआ था 2008 में। तो इसमें पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो राफेल नडाल। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो दोस्तों किसने रिकॉर्ड स्थापित किया है एक ही ओलंपिक के में सबसे ज्यादा पदक जीतने का? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माइकल फेब्स। दोस्तों इन्होंने अब तक में कुल 28 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 28 मेडल। एंड दोस्तों इसमें कौन कौन से कप कब प्राप्त किए हैं, जैसे कि 2004 में इन्होंने 8 पदक प्राप्त किए जिसमें से 6 स्वर्ण एंड 2 कांस्य, 2008 में 8 पदक और 8 स्वर्ण पदक, 2012 में लंदन ओलंपिक में 6 पदक उसमें से 4 स्वर्ण और 2 रजत प्राप्त किए, एंड 2016 में रियो ओलंपिक में 6 पदक में से 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किए, कुल 28 मेडल्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड स्थापित किया है एक ही ओलंपिक में? तो वह कौन सा ओलंपिक था दोस्तों? वह था 2008 का बीजिंग चीन ओलंपिक, जिसमें से माइकल फेल्स ने 8 स्वर्ण पदक एक ही ओलंपिक में प्राप्त किए थे, और इससे पहले यूएसए के मार्क स्पीड के ओलंपिक में 7 स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड तोड़ा था, यानी कि इन्होंने माइकल फेल्प्स के पहले मार्क स्पीड थे, इन्होंने 7 स्वर्ण पदक एक ही ओलंपिक में प्राप्त किया था, उनके रिकॉर्ड को माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में तोड़ा 8 स्वर्ण पदक प्राप्त करके। इसलिए दोस्तों बीजिंग ओलंपिक में इनको मेडल विनिंग मशीन माइकल फेल्प्स को कहा गया। क्या कहा गया? मेडल विनिंग मशीन, क्योंकि ये सर्वाधिक एक ही ओलंपिक में गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों भारत में ओलंपिक आरंभ आंदोलन प्राप्त करने का श्रेय जाता है, प्रारंभ करने का श्रेय जाता है श्री दोराबजी टाटा को। भारत में ओलंपिक आंदोलन श्री दोराबजी टाटा द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA के संस्थापक प्रधान थे। ये भारत में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुआ था आप सबको पता है, 1927 में हुआ था। किसके प्रयासों से? सर दोराबजी टाटा के प्रयासों से हुआ, और सर दोराबजी जिसके फलस्वरूप सर दोराबजी टाटा ने YMCA के निदेशक डॉक्टर AG नोहरान की सहायता से वर्ष 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की IOA की स्थापना की, और दोराबजी टाटा IOA के संस्थापक अध्यक्ष तथा नोहरान संस्थापक महासचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में ओलंपिक संघ का भारतीय अध्यक्ष कौन बना?
तो कौन बना? सर दोराबजी टाटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? जैसा कि दो तीन क्वेश्चन इसी पर हो गया दोस्तों, अब तक आपको आ गया होगा, तो इसका सही जवाब है 1927, डॉक्टर दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय है, तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? आईओए करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, प्रेजेंट में कौन है दोस्तों? जैसा कि आप सबको पता होगा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के अध्यक्ष हैं। लेकिन प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो सर दोराबजी टाटा वर्तमान है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको छांटना है कौन सा कथन इसमें प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में असत्य है, चार ऑप्शन में। ऑप्शन ए है, पंजीकरण के पश्चात प्रतियोगी अपना नाम वापस नहीं ले सकता था। बी है, दास ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। सी है, केवल यूनानी इन खेलों में भाग ले सकते थे। डी है, औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी। तो दोस्तों आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे, जो भी प्राचीन ओलंपिक को सही से पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही ऑप्शन असत्य है कि औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी, जबकि सत्य क्या है दोस्तों कि औरतें प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकती थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं को खेल स्पर्धाओं में को देखने तक का अनुमति नहीं था। यहां तक कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जब 1896 में शुरुआत हुआ था तो भी महिलाओं की कोई सहभागिता या भागीदारी नहीं थी। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की सहभागिता का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? 1900 ओलंपिक में। अब प्राचीन ओलंपिक में दोस्तों महिलाओं को देखने तक नहीं दिया जाता था स्पर्धाओं को, तो इस नियम को तोड़ा किसने था, इस बात को भी आपको याद रखना जरूरी है। तो एक फेरानाइस नाम की महिला थी जिन्होंने अपने पुत्र पीसी डोरस जो बॉक्सिंग का खिलाड़ी था उसके प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अपने बेटे को देखने के लिए इस नियम को भंग किया था, फेरानाइस नामक महिला ने। अब आधुनिक ओलंपिक में पूछेगा कि ओलंपिक में महिलाओं को कब शामिल किया गया, तो 1900 ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो 10 मीटर एयर राइफल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता गया व्यक्ति स्पर्धा में। यह भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। सुशील कुमार कुश्ती में भारत के प्रथम खिलाड़ी हुए जिन्होंने लगातार दो ओलंपिक में पदक प्राप्त किए थे। उन्होंने वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक एवं 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किए हैं। अब दोस्तों वर्तमान में हम देखें तो दो लोग हो गए हैं जो लगातार दो ओलंपिक पदक प्राप्त किए हैं, जैसे कि एक सुशील कुमार हो गए, एक पीवी सिंधु भी हो गई है जो 2016 रियो ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था बैडमिंटन में, एंड 2021 टोक्यो जापान ओलंपिक उन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव 8 वर्षों के लिए होता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्मशाने स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 23 जून 1894 को पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के प्रधान का निर्वाचन
यानी प्रधान अध्यक्ष का निर्वाचन जो है वो 8 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है तथा इस कार्यकाल में बढ़ोतरी भी किया जा सकता है। यह बढ़ोतरी केवल एक बार और मात्र 4 वर्ष के लिए ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरन पिरेडी कोबर्टिन ने किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया, किस वर्ष किए थे दोस्तों? जैसा कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा 1894 में, तो कब किए थे? 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किए थे और उसके 2 साल बाद, 2 साल के अंदर ही 1896 में यानी 9 अप्रैल 1896 में को प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, किया कीजिए दोस्तों, एंड मेरे बेसिस वीडियो जो आज जरूर कीजिए। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।